click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. बाबा सिद्दीकी राजनीति दुनिया के जाने माने नाम है, पर इससे भी कहीं ज्यादा महाराष्ट्र के ये भूतपूर्व विधायक शानदार इफ्तार पार्टीज के लिए जाने जाते हैं, जहां पॉलिटिक्स से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक सबकी मौजूदगी दिखाई देती है। बता दें, इस बार बॉलीवुड के बेहद करीब जाते हुए बाबा सिद्दीकी ने एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने का निर्णय लिया है। खबरों के मुताबिक सिद्दीकी साहब की ये प्रोडक्शन हाउस बेहतरीन कॉन्टेंट के साथ फिल्में बना की इच्छा रखती है, पर जब से ये खबरें बाहर आई हैं, तभी से कयास लगाई जा रही है कि शायद सिद्दीकी बॉलीवुड के दोनों सुपर खान्स सलमान और शाहरुख को एक साथ एक फुल फ्लेज्ड फिल्म के लिए लाने में सफल हो, क्योंकि वो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी थी जहां सलमान और शाहरुख ने गले मिलकर अपने मच टॉक्ड अबाउट दरार को खत्म किया था। अक्षय कुमार ने ले ली है सोशल सागा से ब्रेक। एक के बाद एक सोशल कॉजेस पर बेस्ड फिल्में करने के बाद अब अक्षय कुमार फिर से एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड फिल्म्स में दिखाई देंगे। वेल, पैडमैन, गोल्ड और 2.0 के बाद खिलाड़ी कुमार तमिल ब्लॉकबस्टर वीरम के रीमेक में दिखाई देंगे। बता दें, ये फिल्म साजिद फरहाद ड्यूओ से फरहाद की सोलो डायरेक्टोरियल डेब्यू होने वाली है। इस फिल्म को फिलहाल लैंड ऑफ लुंगी का टाइटल दिया गया है, जहां अक्षय कुमार लुंगी के लिबास में दिखाई देंगे। अब इस फिल्म के टाइटल से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म कितनी दिलचस्प होने वाली है, क्यों, है ना? तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें।